हरिद्वार में इमेक समिति ने यहाँ पर भारतीय संस्कृति की एक झलक और महिला टीम के साथ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, और वहीं नारी सशक्तिकरण को भी लेकर सिडकुल में स्थित यहाँ पर एक होटल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सिडकुल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण सारस्वत ने किया। इस कार्यक्रम में यहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक का आयोजनों के साथ यहाँ पर महिला समूह की तरफ से यहाँ पर बनाए जा रहे उत्पादकों को भी यहाँ पर उनकी जो है प्रदर्शित किया गया है। वहीं इस अवसर पर समिति के यहाँ पर उपाध्यक्ष हेमा भंडारी ने कहा है कि यहाँ पर आज इमेक समिति ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें यहाँ पर महिलाओं ने यहाँ पर विभिन्न राज्यों की यहाँ पर परंपरागत वेशभूषा में नृत्य संगीत कर समा बांधा। हमारी इमेक संस्था द्वारा लगातार सामाजिक क्षेत्र में कार्य किए जाते हैं और हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में भी कार्यक्रम किए जाते हैं और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए भी हमारी संस्था इमेक काम करती है। और हमारी संस्था इमेक का जो मकसद है वो गरीब बच्चों को, गरीब तबके के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, और उसी के माध्यम से हम गरीब बच्चों का एक हर संडे हमारी संस्था स्कूल भी चलाती है, जिसमें पढ़ाई से अलग बच्चों को क्राफ्ट वगैरह सिखाने का काम करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन 24 न्यूज। नमस्कार। Thank you.